रोजे मजो करे
चारों तरफ से काबिलों ने घेरा, किसने ऐसे घेरा था?
le habla a la mujer que está peleando. ईमान लाओ। अब इस आयत के
صرف گمراہی کہتے ہیں
Yeah.
Get that is good. Yes, we are. Push the rocket. कि उसकी कब्र दूसरी जगह पर चली गई, लेकिन इतिहास ऐसा है कि उस कब्र में पानी चला गया और जब बहासू की कब्र खोला तो अब उसके सीने में गुलाब नहीं था, अब उसके सीने के सांप बैठा हुआ था, अस्ताहा था और उस सांप के दो फन थे जो नाक के दोनों सुराखों में ठहरा था। लोग गए उलमा के पास कि हजरत मरने के बाद इंसान के दफ्तर बंद हो जाते हैं तो कोई ना गुनाह कर सकता है, जो नेकी करने वाला था दुनिया में करते, बुराइयां करने वाला था दुनिया में करते, अब उसका दफ्तर बंद है। अब इसने कौन से कर दिया कि जिसकी वजह से वो अजाब होने लगा, तो फरमाते हैं कि पहले जो इसकी कब्र थी वो एक मजार की कब्र थी, तो फरमाते हैं कि हकीकत ये है इसके अमल के वसीला से इसके ऊपर एक सांप मुसल्लत किया जाएगा, लेकिन चूंकि इसकी कब्र एक अल्लाह वाले के मजार के करीब में थी तो अल्लाह तआला ने उसकी बरकत से उस अजनबी को गुलाब की टहनी से बदल दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उसके कानों को उसके मुंह को गुलाब के फूल से बदल दिया। लेकिन जब इसकी कब्र वहां से खोदी गई और इसकी लाश को दूर दफन किया गया तो लिहाजा उससे पता चला कि अल्लाह तआला को देना है उनके करीब हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए, हमारी नींद का सुकून मिलता है और खुशी करना चाहिए कि अपना अजीज जब इंतकाल करे तो उसकी कब्र जहां तक हो सके किसी नेक मुत्तकी परहेज़गार की कब्र के करीब ही करना चाहिए। अल्लाह तआला को समझने की तौफीक अता फरमाए, ये अल्लाह वालों की महफिल है, अल्लाह तआला इसको कबूल फरमाए और ये अल्लाह वालों की शान है कि अपने मजारों में रहते हैं और हम सब पे नजर करते हैं, मजारों में रहते हैं सब पे नजर करते हैं, ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वालों की खासियत ये भी होती है कि अल्लाह वाले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मुत्तकी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, किसी से बदतमीज़ नहीं बोलते, अल्लाह वाले किसी से बदतमीज़ नहीं बोलते, अल्लाह वाले बदतमीज़ बोलेंगे तो बदतमीज़ कौन चलाएगा कि भाई कौन सी क्या बनानी, अल्लाह वाले कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह वालों का रास्ता बड़ा अच्छा है, अगर इख्तियार कर लो तो तुम भी अल्लाह वाले मेरे अपने मकाम को समझो, अल्लाह वालों के तरीके समझो, अल्लाह वालों का भी एक वक्त की नमाज नहीं पता नहीं होती, अल्लाह वालों की खासियत है, मेरे नमाज पढ़ने वाला वली नहीं होता, मेरे ये अल्लाह वालों की खासियत है कि रहते बगदाद में आए अपनी नगर पूरी दुनिया में, ये अल्लाह वालों की खासियत है। अच्छा जिन्नात का मामला और है, जिन्नात का मामला ताकत अल्लाह ने उसको भी बोल दिया जिनको, लेकिन उसका मामला और अल्लाह वालों का मामला, जिन्नात ये किसी को मर भी आ जाता है उसको परेशान भी करने लगता है, अल्लाह वाले तो हम सबको अल्लाह तआला की समझने की तो